दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद श्रीलंका के दिग्गजों ने दिया भारत के खिलाफ धमकी भरा बयान। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए मुकाबले में श्रीलंका की टीम को जीत मिल चुकी है, जिसके बाद श्रीलंका के दिग्गजों ने घमंड में चूर होते हुए भारत को धमकाया है और भारत को धमकाते हुए एक ऐसा धमकी भरा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार बांग्लादेश से जीत के बाद श्रीलंका के दिग्गजों ने भारत के खिलाफ धमकी भरा बयान देते हुए क्या कहा, यह तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एशिया कप का रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को 164 रन पर 42.4 ओवर में ऑल आउट कर दिया। हालांकि इसका पीछा करने के लिए उत्तरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत खराब रही, जिन्होंने 43 रन पर 3 विकेट गिरा दिए, लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए श्रीलंका की टीम ने मैच को अपने नाम कर लिया और बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल कर ली। इसके बाद श्रीलंका के दिग्गजों का घमंड सातवें आसमान पर पहुंच गया। इस दौरान श्रीलंका के दिग्गजों ने भारत को धमकाते हुए जहरीला बयान जारी कर दिया, जिसमें कुमार संगकारा ने बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में श्रीलंका की टीम ने बांग्लादेश को हरा कर दिखा दिया है कि वो एशिया कप में जीतने के लिए पहले पड़ाव पार कर चुकी है। ऐसे में अब श्रीलंका की टीम को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले मैच में भी अब श्रीलंका की टीम पूरी तरीके से तैयार है और अब श्रीलंका की टीम को मालूम है कि वो भारत के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन कर सकती है और भारत को पूरी तरीके से हराकर एशिया कप के अंदर जीत की प्रबल दावेदारी भी ठोक सकती है और एक बार फिर से इतिहास रच सकती है। तो वहीं सनत जयसूर्य ने बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में श्रीलंका की टीम को बांग्लादेश के खिलाफ जीत मिली है, जिससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि हमारी श्रीलंका की टीम काफी ज्यादा मजबूत है और जैसे पिछले साल हमारी श्रीलंका की टीम को कमजोर बताया जा रहा था, उसके बावजूद हमारी श्रीलंका की टीम ने जीत हासिल की और उसी तरीके से इस बार भी श्रीलंका की टीम ऐसा ही करेगी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि श्रीलंका और भारत के बीच होने वाले मैच में श्रीलंका की टीम को जीतने से अब कोई भी नहीं रोक पाएगा। ऐसे में श्रीलंका की टीम के खिलाफ हार के लिए भारतीय टीम अभी से तैयार हो जाए। तो वहीं लसित मलिंगा ने बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में श्रीलंका की टीम बांग्लादेश को हरा दिया है, जिसके बाद हमारी श्रीलंका की टीम एशिया कप में जीत की एक बार फिर से प्रबल दावेदार बन चुकी है। हालांकि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन इससे हमारी श्रीलंका की टीम ने शानदार शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि श्रीलंका की टीम को इस समय हराना बेहद मुश्किल है। ऐसे में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मुकाबले की तैयारी में साथ आया, अन्यथा श्रीलंका की टीम भारत को बुरी तरीके से हरा देगी और इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अर्जित करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, श्रीलंका की टीम अब बांग्लादेश के खिलाफ भारत को हरा पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।